आज हम कर रहे हैं यूनिट 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्स्ट्रा क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर. देखिए भाई ये हमारा क्या होता है, प्याले जैसा हेमीस्फीयर. हेमीस्फीयर का जो कर्ड सरफेस एरिया होता है ना वो तो होता है 2πr² और जब भी हमें दिया जाए सॉलिड, ये होलो हो, होलो का मतलब खाली अंदर से, जैसे हमारी कटोरी होती है वो अंदर से क्या होती है खाली, तो उसका कर्ड सरफेस एरिया निकलता है तो वो क्या होता है 2πr² और सॉलिड का मतलब वो बंद है अंदर से बिल्कुल, ठीक है, तो उसमें निकलता है टोटल सरफेस एरिया और इसका एरिया होता है 3πr² क्या होता है 3πr². तो अब हमें देखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर, तो 3πr² हमारा है 462 और हमें इसका वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम कब निकाल सकते हैं, आर के हेल्प से. तो सबसे पहले 3 × 22/7 √r² = 462. r² बराबर क्या आएगा 462, 7/22, 3 × 1/3 कर दिया मैंने. अब हम 22 को 462 से डिवाइड करते हैं, 2 पे गया और ये गया 1 पे, तो ये आ गया 22. अब 3 से क्या ये 3 से कटता है, एक मिनट, 22 से ये 22 पे गया, सॉरी 21 पे गया ये, हाँ 3 से कट गया ये 7 पे, तो 7 और 7 कितना हो गया 7² तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ गई 7 cm, इतना हो गया. अब वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है भाई 2/3πr³, क्या फॉर्मूला होता है 2/3πr³, 2/3, पाई कितना होता है भाई 22/7, आर कितना है 7 × 7 × 7, क्यूब है तो 3 बार लिख दिया, 7 से 7 कट गया, 22 × 44, 7 × 7 = 49, 3/7. अब 44 की 49 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36 और 3 = 39, 4 × 4 = 16 और 1 = 76, 9 × 6 = 15, 7 × 10 = 11, ये 2, तो ये आ गया 2156/3 cm³, वॉल्यूम है cm³ लगती है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कोन एंड ए सिलेंडर हैव सेम रेडियाई बट द हाइट ऑफ कोन 3 times है हाइट ऑफ सिलेंडर. देखिए भाई हमें क्या रखा है, कोन और सिलेंडर. देखिए पहले मैं एक कोन बना देती हूँ, इस साइड मैंने बना दिया सिलेंडर, बन गया. अब इसे क्या रखा है, दोनों की रेडियस सेम है, ये आर और ये आर दोनों की क्या है सेम, और इसे क्या रखा है जो कोन है ना उसकी जो हाइट है वो 3 × किसकी, सिलेंडर की. सिलेंडर की हाइट को मैं एच नाम दे दूँ, दे दिया, तो कोन की हाइट कितनी हो गई 3h, 3 × हो गई 3h. आगे क्या क्या रखा है, रेशियो बताओ उनका वॉल्यूम का, तो हमें रेशियो बताना है वॉल्यूम ऑफ कोन रेशियो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. बस आपको इसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3πr² h और इसका वॉल्यूम क्या होता है πr² h. देखो मैं इसमें ना जानबूझकर इसको h1 नाम दे देती हूँ और इसको h2, तो यहाँ पे h1 और यहाँ पे h2, कोई दिक्कत. देखो πr² से πr² कैंसिल, अब ये क्या बना 1/3h1 रेशियो h2, 1/3 h1 की वैल्यू कितनी है 3h और h2 की वैल्यू कितनी है h, 3 से 3 कैंसिल, h से h, तो 1:1 आंसर आ गया. कितना आ गया देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रखा है, 2 क्यूब है, 1 क्यूब का वॉल्यूम कितना है 125 cm³, दोनों क्यूब को हमने ज्वाइन कर दिया तो हमें क्यूबॉइड मिलेगा, उसका हमें सरफेस एरिया बताना है. देखिए वैसे भी मान लो मैं 2 क्यूब को रखूँ, देखो 1 क्यूब ऐसी होती है और 1 क्यूब इसके बगल में रखी हुई है, दोनों क्यूब को जोड़ा तो 1 क्यूबॉइड बन गया ना. तो देखो क्यूबॉइड की लंबाई बढ़ी ना, मान लो ये साइड है ए और ये साइड है ए, तो ये लंबाई कितनी होगी 2a. मुझे बताओ चौड़ाई में और ऊंचाई में, मतलब ब्रेथ में और हाइट में कोई चेंज नहीं आया, तो ब्रेथ भी ए है और एच भी क्या है ए. और देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए की क्यूब, क्या होता है ए की क्यूब, और वो दे रखी है 125, 125 किसकी क्यूब होती है 5 की, बराबर ए की क्यूब, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 cm आ गई. अब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है 2 × lb + bh + hl. दो l कितनी, देखो l कितनी है हमारे पास 2a, b कितनी है a, h कितनी है a, l कितनी है 2a. यहाँ तक क्लियर हुआ भाई, दो बार 2 को a से गुना किया 2a² प्लस में a का स्क्वायर प्लस में 2a² 2 × 2 × 1 = 3 और 2 कितने हो गए 5a² तो 5 × 2 कितने हो गए 10a². अब a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू है 5² 10 × 5² क्या होते हैं 25, तो 250 cm³ हो गया. देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विद इस हाइट इक्वल टू रेडियस. इसे कह रखा है हाइट और रेडियस क्या है सिलेंडर की इक्वल,
तो एच और आर क्या है, इक्वल, उसको मैंने एक्स नाम दे दिया. क्या नाम दे दिया? एक्स. और वॉल्यूम हमें सिलेंडर का दे रखा है. सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है भाई? 25 सही, 1/7 सेंटीमीटर की क्यूब. और हमें हाइट बतानी है. देखो भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या है? देखो 25 की 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 फाइव जा 35, 5 3 कैरी, 7 टू जा 14 और 1 17, 1 जोड़ा तो 176/7 हो गया. पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7. आर भी एक्स है, एच भी एक्स है, एक्स का स्क्वायर गुना में एक्स बराबर क्या है? 176 डिवाइड में 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 से कट गया 8 पे, ये क्या हो गया? एक्स की क्यूब बराबर ये क्या होती है? 2 की क्यूब. एक्स बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया. इसका मतलब एच और आर कितने आ गए भाई? 2. कोई हमें बताना था, देखो हमें क्या निकालनी थी? ओनली हाइट. देखिए भाई क्या कह रखा है, इन फिगर ए टेंट इन द शेप. देखो सबसे पहली बात, जो टेंट होता है वो अंदर से क्या होता है? खाली, ताकि लोग आ सके उसके अंदर, है ना. अब देखो इसकी शेप कैसी है, नीचे तो सिलेंडर है और ऊपर क्या है? कोन. और इसे क्या कहते हैं? सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट. ये हाइट दे रखी है 2.1 और रेडियस कितनी दे रखी है यहाँ पे? ये स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट को क्या बोलते हैं? कोन की एल. और दोनों की रेडियस कितनी है? 2. तो मैं इसको इसी को पेपर पे कर देती हूँ. एरिया ऑफ कैनवास. कैनवास एक कपड़ा होता है जिससे तुमने देखा होगा अम्ब्रेला बनता है, तो वो एक कपड़े का नाम है कैनवास. तो उसमें क्या होता है? पानी पास नहीं हो सकता, तो हमें इसका सरफेस एरिया बताना है. देखो जब भी दो चीज़ खाली हो लो तो दोनों के कर्व सरफेस एरिया जुड़ जाते हैं. तो आपको इसमें क्या जोड़ना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन को ऐड करना है. सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRh. और कोन का क्या होता है? πRL. दोनों में πR कॉमन आ गया नहीं, तो यहाँ पे क्या बचा है? देखो जो कॉमन आ जाए ना उस पर हाथ रख लो, 2πR कॉमन. तो क्या दिखाई दे रहा है हमें? 2 और H. अच्छा इसमें भी πR कॉमन हाथ रख लो, क्या दिख रहा है हमें? L. ठीक है. पाई क्या होती है? 22/7. आर हमारी 2 दे ही रखी है. H कितनी है सिलेंडर की? 2.1. L भी दे रखी है कितनी? 2.8. हो गया यहाँ तक. अब देखो 44/7, ये 4.2 प्लस में 2.8, ये हो गया 44/7. 8 और 2 10, 4 2 6 और 1 7, 7 से 7 कट गया तो आंसर आ गया 44 मीटर स्क्वायर. हुआ क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, ए स्फीयर. एक स्फीयर है हमारे पास, जो जैसे अपनी है ना फुटबॉल होती है, उसका डायमीटर कितना है भाई? 12. उसको मैंने ड्रॉप कर दिया एक राइट सर्कुलर सिलेंडर वेजल में. देखो मान लो ये एक अपना बर्तन है सिलेंडर का, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप बर्तन हो गया, और इसमें एक ये स्फीयर है, ठीक है. इस स्फीयर का डायमीटर कितना है भाई? 12 सेंटीमीटर. डाल दिया, डालते ही पार्टली फिल्ड विद वाटर. अब ये जो सिलेंडर है ना पानी से भरा हुआ है, मान लो इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, मान लिया मैंने यहाँ तक पानी भरा हुआ है, भरा हुआ है. इफ़ द स्फीयर इज कम्प्लीटली सबमर्ज इन वाटर, अब मैंने इसको डाल दिया, तो मान लो ये स्फीयर पूरा का पूरा जैसे यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो यहाँ तक आ गया ये स्फीयर यहाँ आ गया. अब देखो कोई चीज़ ऑक्यूपाई करती है स्पेस तो अपनी जगह घेर लेती है. जैसे मैं इसमें डालूंगी तो पानी का लेवल ऊपर तक चला गया, तो कितना गया है पानी का लेवल? देखो इसने हाइट बता रखी है पानी की, कितनी बढ़ गई भाई ये वाली हाइट, कितनी बढ़ गई? 3 सही, 5/9 सेंटीमीटर बढ़ गई, पानी यहाँ तक ऊपर चला गया. फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वेजल, मतलब हमें उसकी रेडियस बतानी है कितनी होगी. डायमीटर बताना है किसका? सिलेंडर का. तो इसका मतलब दोनों के डायमीटर क्या है? इक्वल नहीं है, ठीक है. तो मेरे को एक बार बताओ, जितना इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसकी हाइट तो ये है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, किसके बराबर आएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तभी तो उसने अपना स्पेस ऑक्यूपाई किया. तो वॉल्यूम ऑफ, ये कौन से सिलेंडर का वॉल्यूम है? रेज्ड हाइट वाला, कौन सा? जितनी हाइट रेज हुई है वो वाला वॉल्यूम है ना. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वैसे क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है. और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब लिख दूँ ताकि दोनों आर अलग हो जाएं. स्मॉल आर तो सिलेंडर की है, ये कैपिटल आर हो जाएगी, तो कैपिटल आर क्या आएगी? 12 का आधा 6 आ गई भाई, हो गया. पाई से पाई काट दूँ. अब बताओ आर कितनी है, ये हमें निकालनी है. एच हमें पता है इतना बड़ा है, देखो 3 सही, 5/9 को क्या लिखेंगे? 9 3 जा 27 में 5 जोड़े तो कितने हो गए? 32/9 32/9 2/3 है ही. कैपिटल आर कितनी है? 6 × 6 × 6 क्यूब है ना, 3 से कटा कितने पे? ये 2 पे. आर स्क्वायर बराबर, अब देखो 2 × 2 × 6 × 6 ये उलट गया, 32/9 का उल्टा क्या बना? 9/32. अब देखो 2 से काटो, 2 से 16 पे, 2 से काटा तो ये 8 पे है ना, 2 से काटा तो ये 3 पे, 2 से काटा तो ये 4 पे, 2 से काटा तो ये 3 पे, 2 से काटा तो ये 2 पे, तो ये क्या बना? ऊपर तो 3 का स्क्वायर, 9 भी किसका स्क्वायर होता है? 3 का, और बटे में 2. पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं कभी ये 2 गलत लिख रखा हो. देखो इसका वॉल्यूम यही होता है 2/3 πR³, सॉरी 4/3 होता है, स्फीयर है, मैंने हेमी स्फीयर का लिख दिया यहाँ पे, है ना.
तो ये टू जो ऊपर बचा था, टू से टू कट गया ना, कट गया, तो इस टू को हटा दूँ, तीन और तीन नौ का स्क्वायर है ये, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई 9 सेंटीमीटर। और हमें डायमीटर बताना, तो डायमीटर क्या हो गया दुगना, तो दो गुना में नौ कितना हो गया भाई 18 सेंटीमीटर। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 5 फ्रॉम ए क्यूबिकल सॉलिड मेटेलिकल ब्लॉक और डायमेंशन। देखो ये एक ब्लॉक दे रखा है, इसकी लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ कितनी है 10 और हाइट कितनी है 5। एक सिलेंड्रिकल होल जिसका डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर ड्रिल आउट। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास ये बॉक्स है भाई, इस टाइप का क्यूबिकल बॉक्स है, इसमें से मैंने एक सिलेंड्रिकल छेद बना दिया, अंदर बना दिया ना, तो ये सिलेंड्रिकल छेद बन गया अपना, आर पार हो गया। अब इसने क्या कह रखा है, इट ड्रिल्ड आउट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक का बताना है। देखो इस तरह के क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं याद रखना, देखो ये चीज़ सॉलिड है ना हमारी क्यूब, क्यूब में से मैं कोई चीज़ निकाल दूँ, जो चीज़ सॉलिड होती है उसका हम क्या लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, क्या लेते हैं भाई टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लूँगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्योंकि क्यूब सॉलिड है, और प्लस किसको प्लस करूँगी, जो चीज़ मैं निकाल रही हूँ, मैं किसको निकाल रही हूँ सिलेंडर को, और सिलेंडर का क्या प्लस करूँगी कर्व सरफेस एरिया, क्या प्लस करूँगी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और माइनस क्या करूँगी कॉमन एरिया। देखो सर्कल कॉमन है ना ऊपर भी और नीचे भी, हमने आर पार छेद किया है ना, देखो यहाँ पे पढ़ो, आर पार छेद करा है ना हमने, ये आर पार किया है, तो ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल दोनों माइनस होंगे, एक सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो होंगे तो 2πr का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अच्छा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a का स्क्वायर, a का मतलब साइड, और सिलेंडर का क्या होता है 2πrh माइनस 2πr का स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखो भाई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्यूब नहीं है, ये क्या है क्यूबॉइड, क्या है ये क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई अलग होता है 2 into lb प्लस bh प्लस hl, ये होता है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है भाई 2 into lb प्लस bh प्लस hl, अलग अलग निकालते हैं क्योंकि लंबा क्वेश्चन हो गया ना। देखो भाई l कितनी है मेरे पास 15, b कितनी है मेरे पास 10 और h कितनी है हमारे पास 5। देखो क्वेश्चन में दे रखा है ना l b और h, अब देखो इसमें वैल्यू पुट करो, l 15 गुना में 10, 10 गुना में 5 है ना, अब यहाँ पे h कितनी है 5 गुना में 15, इतना हो गया दो बार, ये कितना आया 150, ये आएगा 50 और ये आएगा 75, दो गुना में, देखो 150 में 50 जोड़ा तो 200, 200 में 75 जोड़ा तो 275, 5 दुनी 10, 7 दुनी 14 और एक 15, 2 दुनी 4 और एक 5 है ना, 5 आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना हमारा क्या हो गया भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब मैं निकाल रही हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो मैंने क्या बताया था 2πrh होता है, दो गुना में पाई 22/7। अब देखो सिलेंडर का ये देखो डायमीटर कितना है 7, तो रेडियस कितनी आएगी 7/2, हाइट किसके बराबर, देखो इसके हाइट के बराबर, 5 के बराबर है ना, दोनों की हाइट क्या है इक्वल, तो हाइट में यहाँ पे आर में तो लूँगी 7/2 और हाइट को लूँगी 5, 7 से 7 कट गया 2 से 2, तो 22 को 5 से गुना किया तो कितना आया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना क्लियर हुआ। अब दो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ टू सर्कल वो क्या बनेगा भाई 2πr का स्क्वायर, दो गुना में पाई 22/7, रेडियस कितनी थी 7/2 स्क्वायर है तो दो बार लिख दिया, 7 से 7 कट गया 2 से 2, 2 से कटा 11 पे, ये कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दें, कर दें, देखो इसकी वैल्यू आ चुकी है हमारी कितनी आई है 550 प्लस ये वाली वैल्यू आ चुकी है 2πrh, वो कितनी आई है 110 और माइनस क्या कर दूंगी 77, देखो 0 5 और 1 6 5 और 1 6 माइनस 77, 10 में 7 गए 3, 15 में से 7 गए 8 और ये बचेगा 5, 583 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक सॉलिड वुडन टॉय इज, देखो सॉलिड है, सॉलिड है तो इसका मतलब वो होलो नहीं है, मतलब खाली नहीं है, टॉय कैसा है हेमीस्फियर सरमाउंटेड बाय ए कोन, देखो जैसे नीचे बाय ए कोन, मतलब नीचे तो हेमीस्फियर है ना, ऊपर क्या बना हुआ है एक कोन बन गया, द रेडियस और दोनों की रेडियस क्या है सेम, रेडियस ऑफ द हेमीस्फियर, रेडियस आर कितनी है भाई 3.5 सेंटीमीटर, टोटल वुड बतानी है जो यूज होगी टॉय बनाने के लिए, और वो दे रखिए, देखो सेंटीमीटर की क्यूब दे रखी है, क्यूब का मतलब क्या है वॉल्यूम है, ये क्या है ये वॉल्यूम, और हमें हाइट ऑफ द टॉय बतानी है कि पूरे खिलौने की हाइट, तो भाई ये है ना पूरे खिलौने की हाइट, तो ये है, तो ये कोन की हाइट क्या होती है एच और ये क्या है आर, तो हमें क्या बतानी है एच प्लस आर बतानी है ना पूरे खिलौने की हाइट, तो क्या बतानी है एच प्लस आर इक्वल टू क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, और हमें कोस्ट बतानी है हेमीस्फीयर पार्ट को
पेंट करना हो, सिर्फ नीचे वाले को पेंट करना हो तो कितना खर्चा आएगा, इतना समझ में आया? देखिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं इस नोटबुक पे। देखिए सबसे पहले हमारे पास है ये कोन है, नीचे क्या बनाओ भाई हेमिस्फीयर। हमें हमारे पास सिर्फ आर की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू नहीं है, एच को मैं एच ही नाम दे देती हूँ। अब मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ टॉय, टॉय का वॉल्यूम क्या आएगा? देखो नीचे हेमिस्फीयर है तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है ना, प्लस में वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ टॉय हमें दे रखा है कितना भाई 166.5/6 सेंटीमीटर की क्यूब, ये गिवन है, ये मैंने लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतना समझ में आया? अब देखो तुम्हारे पास क्या कॉमन है यहाँ पे, एक तो 1/3 कॉमन नजर आ रहा है और एक पाई आर स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है ना। देखो पाई आर स्क्वायर, एक आर बच गया और एक टू बच गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2r प्लस पाई आर स्क्वायर और 3 कॉमन है तो क्या बचा एच। इतना समझ में आ गया? अब देखो इसको सोल्व करो, 166 को 6 से गुणा करो, 6 6 36 का 6 3 कैरी, 6 6 36 में 3 जोड़े तो 39 का 3 6 कैरी, 39 का हाँ 39 का 9 3 कैरी, 6 1 6 और 3 996 उसमें 5 जोड़ दो 1001 आ गया, 1001/6। अब मुझे एक बात बताओ ये 1/3 पाई क्या होता है 22/7, आर कितनी है 35/10 कर दूँ, 35/10 कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या है 2 × 3.5 एच मुझे निकालनी है, निकालनी है ना। देखो और इजी बनाओ इस क्वेश्चन को, चलो पहले एच निकाल लो, 1001/6। देखो भाई 7 से कट गया ये 5 पे, 5 से कटाइए 2 पे, 2 से कटाइए 11 पे, 5 से कट रहा है ना 5 से 7 पे और 5 से 2 पे, तो इधर क्या बच गया पहले लेफ्ट का लिख देती हूँ, क्या बचा 11 × 7 77 और 3 2 6 यही बचे ना, 6 से 6 दोनों तरफ काट दूँ, यहाँ पे क्या बचा है 7+H, क्योंकि 3.5 का दुगना क्या होता है 7। अब देखो 1001 को 77 से डिवाइड कर दो, 7+H, 11 से काटो 11 से 7 पे, 1001 को 11 से करना 11 99 11 कम 11 91 पे कट गया और 7 से कट गया ये 13 पे, तो 13 में से 7 गए 6 आ गई H। इतना क्लियर हो गया? अब हमें निकालना था R+H की वैल्यू, R कितनी है 3.5, H कितनी है 6, 9.5 आ गई ना पूरे टॉय की हाइट, हो गया इतना क्लियर हुआ इतना। अब देखो आगे हमें कोस्ट बतानी है हेमिस्फीयर पार्ट को, देखो हेमिस्फीयर बार बार से है, बार बार से तुम पेंट करोगे तो उसका एरिया आएगा 2πr², क्या आएगा 2πr², 2 × π/7, आर कितना है 35/10 मल्टीप्लाई 35/10, 7 से कट गया 5 पे, 5 से कटा 2 पे, 2 से 2, 5 से कटा 7 पे, 5 से कटा 2 पे, 2 से कटा 11 पे, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करोगे। अब इसने क्या कह रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 10 रुपये, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है पेंटिंग की 10 रुपये, तो 77 की कितनी आएगी 10 से मल्टीप्लाई होएगा तो 770 रुपये लग जाएंगे भैया आपके पेंट में, कितने लग जाएंगे 770 रुपये। क्लियर हुआ इतना?